500 रुपया दर्जन होगा। तो ये 300 ग्राम का एक दाना है, फुल साइज है। इससे पहले मैंने लिया है वो 1 किलो में 3 दाने चढ़े थे, 330 ग्राम वो मैक्सिमम साइज था समझे। और ये भी जिंदा है, बिल्कुल फ्रेश है। ये वाला भी जिंदा है, लेकिन ये ज़्यादा बंदा हुआ है, लेकिन ये भी जिंदा है, चारों जिंदा है। ये भागे जा रहा है, इसको हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भागे जा रहा है। उसको उल्टा भी किया फिर सीधा हो जाता है, खुद ही सीधा हो जाता है, गुलाटी मार के सीधा हो जाता है। ये देखे कैसी गुलाटी मारी, कोई बोलेगा हमारे लिए क्या लेके आ गया। ये देखे अभी गुलाटी मारेगा। ये अब नहीं मार रहा। ये पकड़ने में इसका ये एक टूट जाता है क्या? ये बहुत खतरनाक है, छोड़ता नहीं है। नहीं, इसके दो हैं, इसके भी दो हैं, इसका एक ही है। ये टूट जाता है क्या? इसका भी एक ही है, डाला में फंसा रहता है ना। देखो अभी ये एक पैर लिए ना, अभी दो पैर होता था ना इसका, समझिए दाने के हिसाब में, दर्जन के हिसाब में दाने का हिसाब। अच्छा, एक दाना 800 का। अच्छा, एक दाना चाहिए। सही है, मतलब बिल्कुल सही साबित होगा तो वो डबल से भी ज़्यादा रेट होंगे। सर भाई, आपने मेरे को चाक खिलाया था, आज भाई को खिलाइए। चले तुम्हारे ये बहुत हार्ड है, इसको खोलना इतना आसान नहीं है। और ये काटता भी है। ये खुल गया, इसका ऊपर का शेल निकाल के फेंकना होता है। आज परचेज़ किए और पहले भी दे चुके हैं हम लोग, तो ये मैं सफाई करने के बाद दिखा रहा था कि इसकी किस तरह से शक्ल निकलती है। ये बिल्कुल मिट्टी से अटे हुए होते हैं और बहुत आराम से हाथ से मिट्टी निकलती भी नहीं है, क्योंकि इसके जॉइंट्स इतने हैं। तो फिर हम लोग इसको ब्रश से साफ़ करते हैं, ये ज़रा सख्त दांतों वाला ब्रश है, तो इससे इसको साफ़ करते हैं। और इसमें बस ये धोना, जो इसको धोना होता है ना, बहुत एहतियात से धोना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर का गूदा भी जो है ना, फिर पानी के साथ साथ ही जो है ना बह जाता है, तो बहुत एहतियात से धोना पड़ता है। और गूदा वाइट होता है, बाकी जो इसके अंदर जो गंद होता है वो हल्का सा पीला पीला होता है, जिसके इसके अंदर देखें थोड़ा सा रह गया है। फिर मैं इसको साफ़ करूँगा। और ये एक इसमें जो है ना वो काफ़ी सारा रह गया, ये मुझसे मिस हो गया। ये इस तरह का जो है वो निकलता है इसके अंदर, ये सारा जो है वो हाथ से निकालते हैं और फिर इसको एक एक पीस को धोते हैं और एक एक पीस को ब्रश से साफ़ करते हैं। इसके जो इसकी टांगें हैं, इनके दरमियान का हिस्सा, टांगों के जॉइंट, सब जगह मिट्टी लगी होती है, ये वाइट क्रैब है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सफाई करके फिर जो है वो डिलीवर करते हैं। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।